Salt past paper 100 MCQs of Zilladar Irrigation and Power Department, Punjab Public Service Commission. हेलो अस्सलाम वालेकुम, माइंड एबिलिटी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आप लोगों का अपना दोस्त अमजद अली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को पहले बताता चलूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि हमारी वीडियो है किस चीज़ के बारे में। सॉल्ट पास पेपर 100 एमसीक्यूज ऑफ जिल्लादार बीपीएस 14 इरिगेशन एंड पावर डिपार्टमेंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। सारे सॉल्ट एमसीक्यूज की तरफ आने से पहले मैं बताता चलूँ कि कुछ लोग हमारे कमेंट में पूछते हैं कि वीडियो क्लियर नज़र नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, पीडीएफ अपलोड करें। उन लोगों के लिए बताता चलूँ कि ये आपके नेट पे डिपेंड करता है कि जब आपका नेट स्पीड स्लो हो तो यूट्यूब वाले ऑटोमेटिकली आपको लो लेवल पर कर देते हैं। तो कोशिश करें कि हमारी वीडियो को प्ले करने से पहले नीचे सेटिंग से उसको HD पर लेके आएँ। शुक्रिया। अब आते हैं वीडियो की तरफ। MCQs नंबर एक, न्यूज़ एजेंसी ऑफ मलेशिया। मलेशिया की न्यूज़ एजेंसी का क्या नाम है? द आंसर इज ऑप्शन सी, बरनामा। अगर दूसरे एमसीक्यूज़ की बात कर लें, द हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदुकश रेंज, हिंदुकश रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? आंसर इज तिरचमीर। MCQs नंबर 3, वोलर लेक इज अ सोर्स ऑफ रिवर। वोलर लेक किस रिवर का सोर्स है? आंसर इज ऑप्शन ए, जहलम। नंबर 4, खाकी शेडोज वॉज रिटन बाय। खाकी शेडो किताब है, किसने लिखी है? KM आरिफ, ऑप्शन सी। नंबर 5, नोबल पीस प्राइज 2004 वॉज अवार्डेड टू वंगारी मताई। वंगारी मताई का ताल्लुक कहाँ से था जिससे 2004 में नोबल प्राइज दिया गया था? आंसर इज बी, केन्या। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द ओल्ड नेम ऑफ बिन कासिम। बिन कासिम का पुराना नाम कौन सा था? आंसर डी, पेपरी। नंबर 7, बुर्किना फैसो इज द न्यू नेम ऑफ। बुर्किना फैसो नया नाम है किस जगह का? आंसर डी, अपर वोल्टा। नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। इसमें से कौन सा कैश क्रॉप नहीं है? द आंसर इज बी, वीट। क्वेश्चन 9, वेयर कैद आजम स्टेड ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस इन 1948। 1948 में कैद आजम ने अपने आखिरी दिन कहाँ पे क़याम किए थे? द आंसर इज सी, जियारत। जियारत के मुकाम पे क़याम किए थे, बिल्कुल। नंबर 10, विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे पुराना तरीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कौन सा है? आंसर इज मलकन दरगई। नंबर 11, अंडर एंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर वर गिवन टू इंडिया। हिंदुस्तान को कौन कौन से दरिया दिए गए थे एंडस वाटर ट्रीटी के जरिए? द आंसर इज रावी, ब्यास एंड सतलेज। नंबर 12, लैंड ऑफ मेपल लीफ इज द नेम ऑफ। किस मुल्क को लैंड ऑफ मेपल लीफ कहा जाता है? द आंसर इज कैनेडा। अगला सवाल, विच कंट्री इज कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप। सिक मैन ऑफ यूरोप किस मुल्क को कहा जाता है? आंसर ए, टर्की। नंबर 14, डूमा इज द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। किस मुल्क के पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है? आंसर इज रशिया। नंबर 15, अंडर एंडस वाटर ट्रीटी द रिवर गिवन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को अंडर एंडस वाटर ट्रीटी के जरिए कौन कौन से दरिया दिए गए थे, कौन कौन से रिवर दिए गए थे? द आंसर इज जहलम, एंडस एंड चेनाब, ये दिए गए थे, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, वर्सक डैम इज लोकेटेड। वर्सक डैम कहाँ पे है, किस दरिया पे बनाया गया है? द आंसर इज ए, रिवर काबुल। नंबर 17, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व ऑन। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे किस दिन को मनाया जाता है? द आंसर इज 9 दिसंबर, डी। 18, हाना लेक इज सिचुएटेड नियर। हाना लेक किसके करीब वाकया है? ऑप्शन बी, क्वेटा। नंबर 19, तलाल स्ट्रीट इज सिचुएटेड इन। तलाल स्ट्रीट किस मुल्क में है? ऑप्शन ई, इंडिया। विच इज़ द बिगेस्ट अर्थ फील्ड डैम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे बड़ा अर्थ फील्ड डैम कौन सा है? आंसर इज ए, तरबेला। बालू की
हेडवर्क्स वॉज बिल्ट ऑन द रिवर. बालू की हेडवर्क्स किस दरिया पे बनाया गया था? ऑप्शन ए रावी. फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इट कोलकाता. कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन को बनाया गया था? ऑप्शन सी 1800. नंबर 23, शालीमार गार्डन इज लोकेटेड. शालीमार गार्डन किस शहर में है? लाहौर. नंबर 24, बादशाही मॉस्क वॉज ब्यूल्ट इन. बादशाही मॉस्क किस साल बनाया गया था? 1673. नंबर 25, फर्स्ट मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वॉज इम्पोज. ऑप्शन ए अक्टूबर 1958. नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप ऑफ खरीफ क्रॉप? द आंसर इज ऑप्शन ए. अगर नंबर 27 की बात करें, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? आंसर इज ऑप्शन बी लंडन. 28 वा क्वेश्चन हमारे पास है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC इज लोकेटेड? आंसर इज ऑप्शन बी वॉशिंगटन DC. 29 नंबर पे, व्हेन कॉमनवेल्थ वॉज एस्टेब्लिश? ऑप्शन ए 1931. नंबर 30 पे अगर देखें, नेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ? आंसर इज बैरोनेस स्कॉटलैंड. 31, विच प्रेसिडेंट ऑफ USA वॉज इन्वॉल्व इन वाटरगेट स्कैंडल? वाटरगेट स्कैंडल में USA का कौन सा सदर इन्वॉल्व था? द आंसर इज रिचर्ड एम नेक्सन. सवाल नंबर 32, हु इज द ओनली पर्सन टू विन टू नोबेल प्राइजेस फॉर पीस एंड केमिस्ट्री? आंसर इज ऑप्शन डी डॉक्टर लिनस पॉलिंग, जिसने दो नोबेल प्राइज जीते थे केमिस्ट्री के फील्ड में भी और पीस के फील्ड में भी. अगला सवाल है, मैकेलेंगेलो वॉज अ फेमस आर्टिस्ट एंड पेंटर ऑफ किस मुल्क से इसका ताल्लुक था? आंसर इज बी इटली. 34 नंबर पे है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ चाइना? चाइना की मदद से बनाया गया मकरान कोस्टल हाईवे की टोटल लंबाई कितनी है? आंसर इज सी 653 किलोमीटर. 35 नंबर पे है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पेशावर टू कराची रेलवे रूट? द आंसर इज सी 1681 किलोमीटर. अगला सवाल है, द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वॉज सेटअप इन कराची. कराची में सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस साल बनाया गया था? 1972. अगला है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा तरीन पहाड़, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? इजी वन, आंसर इज माउंट एवरेस्ट. 38 पे है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? आंसर इज ए यांग्त्ज़ियांग. अगला सवाल है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? आंसर इज डी नील. नील का दरिया सबसे बड़ा दरिया है बरअज़म अफ्रीका में. अगला सवाल है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? मिसिसिपी. अगला सवाल हमारे पास है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड बाय कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट? आंसर इज ए 137 मेगावाट. 42 नंबर पे है, वन न्यूटिकल माइल पर आवर इज इक्वल टू? वन न्यूटिकल माइल पर आवर कितने नॉट के बराबर होता है? ऑप्शन डी 1. 43 पे है, वेयर इज रेड स्क्वायर सिचुएटेड? रेड स्क्वायर कहाँ पे वाक़िया है? ऑप्शन बी मॉस्को. 44 नंबर पे हमारे पास सवाल है, द कैपिटल ऑफ चेचनिया? आंसर डी ग्रोजनी. ग्रोजनी चेचनिया का कैपिटल है. और इसका जो अगला सवाल है, 45 नंबर पे, द सेकेंड एटम बॉम वॉज ड्रॉप ऑन नागासाकी? नागासाकी पे दूसरा बम कब गिराया गया था? आंसर इज बी 9 अगस्त 1945. अगला सवाल हमारे पास है, सलाते इस्तिस्का इज परफॉर्म एट द ओकेजन ऑफ? सलाते इस्तिस्का किस मौके पर अदा की जाती है? ऑप्शन ए शॉर्टेज ऑफ रेन, जब बारिश नहीं होती तो ये नमाज अदा की जाती है. नेम द प्रेयर्स इन विच देयर इज नो चेंज इन फर्ज रकात इन केस ऑफ कसर? कौन सी नमाज है जो कि कसर होने में उसकी रकात पे कोई असर नहीं पड़ता? तो उसका जवाब है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी. अगला सवाल है, नेम द फर्स्ट मुस्लिम हु रिसाइट द होली कुरान लाउडली? वो किसने कुरान मजीद की तिलावत आवाज बुलंद के साथ की थी? तो आंसर इज ऑप्शन ए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद. 49 नंबर क्वेश्चन है, इंसिडेंट ऑफ खानपुर इन विच 133 मुस्लिम वर किल्ड? खानपुर का वाकया जिसमें 133 मुसलमान मारे गए किस साल हुआ था? ऑप्शन ए 1913. मौलाना मोहम्मद अली जौहर इशू हमदर्द एंड उर्दू न्यूज़पेपर हमदर्द किस साल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इशू किया था? आंसर इज 1913, ऑप्शन सी.
The Archi system, meaning dual system of government, was introduced. The Archi system kis saal introduce kiya gaya tha? Answer is option C, 1919. When was the constitution of 1973 enforced? Kab se 1973 wale inko lagu kiya gaya tha? Answer is 14 August 1973. Option B. 53 ki agar baat kare, kingdom of Khwarizm was destroyed in 1218 to 20 AD by kisne kingdom of Khwarizm ko tabah kiya tha? Answer is option B, Chinggis Khan. Agla sawal hai, every prayer is preceded by an azan with exception of har ek namaz azan ke baad hi hoti hai siway kiske? Option diye gaye hain to iska jawab hai all of these. Question number 55, which of the following is the icy continent? Icy continent kaun sa hai? Asan jawab hai Antarctica, option B. 56 number pe hai, name the person who discovered Australia. Kisne Australia ko discover kiya tha? Inme se wo jawab maujood hi nahi hai, so answer is none of these. Agla sawal hai, the length of the Suez Canal is approximately. Suez Canal ka length kitna hai? Answer is option C, 193 km. Agla sawal hai, which is the largest river of Asia? Asia ka sabse bada river kaun sa hai? Answer option A, Yangtze-Kiang. Mere khayal se ek dafa ho bhi chuka hai. Agla sawal hai, which is the longest river of the world? Duniya ka sabse bada darya kaun sa hai? Iska jawab hai option D, Nil. 16 FIR stand for, FIR kis cheez ke liye stand karta hai? To jawab hai option A, first information report. 81 number pe sawal hai ki 7 december ko kaun sa din manaya jata hai? Jawab hai civil aviation day. Agla sawal hamare paas hai, the great bear lake is situated. Great bear lake kahan pe hai? Answer is B, Canada. Agla sawal hai, which of the following is the best man who successfully claimed Mount Everest in 1953? 1953 mein kisne Mount Everest pe kamyabi se chadhai ki thi? Answer is option A, Edmund Hillary. Agla hai, who is the first woman to claim Everest? Everest pe pehli claiming karne wali aurat ka naam kya hai? Chonko Tiabi, option C. Agla sawal hai, who is the first man to sail around the world? The answer is A, Ferdinand Magellan. अब अगर क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 66 है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ? आंसर इज महात्मा गांधी, ऑप्शन ए. अगला सवाल है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी? आंसर इज बी, चार्ल्स डार्विन. 68 नंबर सवाल है, हु बिल्ट शालीमार गार्डन? शालीमार गार्डन किसने बनाया था? आंसर इज ए, शाहजहां ने बनाया था 1642 को. अगला सवाल है, नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले सदर का नाम क्या था? सिकंदर मिर्जा, ऑप्शन बी. 70 नंबर पे सवाल है, द 2020 ओलंपिक गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड? 2020 के ओलंपिक गेम कहां पे होने हैं? आंसर इज डी, टोक्यो. 71 नंबर का सवाल, हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहला कैप्टन कौन था? ए एच किरदार, अब्दुल हफीज किरदार, ऑप्शन सी. 72 नंबर पे है, कल्लार कहार लेक सिचुएटेड? ये कलार कहार लेक कहाँ पे है? जवाब है साल्ट रेंज, ऑप्शन बी. 73 नंबर पे है, हब लेक इज सिचुएटेड? हब लेक कहाँ पे है? आंसर इज सी, कराची. 74 नंबर पे है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइनीज रिपब्लिक? चाइनीज रिपब्लिक का पहला सदर कौन था? तो जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर सुन यत सेन. 75 नंबर पे है, हु यूनाइटेड ऑल द सिख एंड किंगडम इन द पंजाब? पंजाब में सिख को किसने मुतहद किया था? जवाब है ऑप्शन सी, रंजीत सिंह. 76 नंबर पे है, अजोधन इज द ओल्ड नेम ऑफ अजोधन? किस शहर का पुराना नाम है? आंसर इज सी, पाकपतन. 77 नंबर पे सवाल है, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ साहिवाल सिटी? साहिवाल सिटी का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन ए, मोंटगोमेरी. 78 पे है, विच इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट रिलीजन? दुनिया का पुराना तरीन मजहब कौन सा है? हिंदुइज्म. हिंदुइज्म दुनिया का पुराना तरीन मजहब है क्योंकि बुतों को बहुत पहले से माना जा रहा है. अगला सवाल है, कश्मीर डे इज ऑब्जर्व, कश्मीर डे किस दिन को मनाया जाता है? आंसर इज 5 फरवरी. 80 नंबर पे है, एनाटोलिया इज द न्यूज एजेंसी? एनाटोलिया किस मुल्क की न्यूज एजेंसी है? आंसर इज डी, टर्की. अब अगर अगले सवाल की बात करें, वेयर इज नूर जहान नूर महल लोकेटेड? नूर महल कहाँ पे है, किस शहर में? सो द आंसर इज सी, बहावलपुर. हमारे पास अगला सवाल है, 82 नंबर पे, वेयर गुलजार महल बहावलगढ़ एंड दौलत खाना आर सिचुएटेड? ये तीन जगह कहाँ पे है? सो आंसर इज अगेन ऑप्शन बी, बहावलपुर.
82 नंबर पे हमारे पास सवाल है. एंड साउथ इन पंजाब देयर इज ओनली वन हिल स्टेशन. साउथ इन पंजाब में सिर्फ एक ही हिल स्टेशन है. व्हाट इज इट्स नेम, इसका नाम क्या है? जवाब है फोर्ट मोनरो. 84 नंबर पे जो हमारे पास सवाल है अगर उसकी बात करें तो है शेर शाह रियल नेम वाज, शेर शाह का रियल असल नाम क्या था? तो जवाब है ऑप्शन डी फरीद खान. क्वेश्चन नंबर 85 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास है द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू दिल्ली. आगरा से दिल्ली कैपिटल को मुगल एम्पायर को शिफ्ट किया गया था किसकी जानब से, किस बादशाह की जानब से? आंसर इज शाहजहां. शाहजहां ने आगरा से दिल्ली में मुगल सल्तनत का दर हुकूमत चेंज किया था. क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास है विच कंट्री इज आल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रोटीज, किस मुल्क को लैंड ऑफ प्रोटीज कहा जाता है? आंसर इज साउथ अफ्रीका. अगला सवाल हमारे पास है विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप किस मुल्क को कहा जाता है? सुदान सर इज सी बेल्जियम. 88 नंबर सवाल है एडियोस कोंटा इज द पार्लियामेंट ऑफ, किस मुल्क के पार्लियामेंट को एडियोस कोंटा कहा जाता है? आंसर इज बी फाइनलैंड. 89 नंबर पे हमारे पास सवाल है माउंट एवरेस्ट हाइट इज 29,035 फीट, व्हाट इज इट्स हाइट एंड मीटर, मीटर में कितना होगा? सुदान सर इज सी 8,850 मीटर. क्वेश्चन नंबर 90 दुनिया का तीसरा बुलंदतरीन पहाड़ कौन सा है? सो पहला एवरेस्ट, दूसरा केटू, तीसरा ऑप्शन ए कैनचेंजुंगा. 91 है व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ द फॉरफादर ऑफ द होली प्रॉफिट, होली प्रॉफिट के फॉरफादर जो थे उनका दीन कौन सा था? सुदान सर इज बी दीन इब्राहिमी. 92 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज फुल्ली एनफोर्स, 1935 का जो एक्ट था वो फुल्ली एनफोर्स कब हुआ था? सुदान सर इज अप्रैल 1937, ऑप्शन बी. 93 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है विच पार्टी वॉन द इलेक्शन अक्टूबर 1990, 1990 के अक्टूबर के जो इंतखाबात थे वो कौन सी पार्टी जीती थी? सुदान सर इज इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद. अगला सवाल हमारे पास है 94 नंबर पे मार्को पोलो वाज फेमस, मार्को पोलो क्यों मशहूर था? सुदान आंसर इज ट्रेवलर, वो एक ट्रेवलर था इस वजह से मशहूर था. अगला सवाल है द ओनली विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा विटामिन जो इंसान की जिस्म में महफूज नहीं रह सकता? सुदान सर इज ए विटामिन सी, ऑप्शन ए विटामिन सी इंसान की बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता. 96 नंबर पे है स्वातवेल इज सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज, स्वातवेल किस माउंटेन रेंज में वाकया है? सुदान सर इज ए हिंदुकश. अगर 97 क्वेश्चन की बात करें दीन इलाही वाज इन फाउंडेड बाय अकबर, अकबर ने एक मजहब बनाया था दीन इलाही किस साल बनाया था? 1582, ऑप्शन सी. 98 पे है व्हाट इज द हाइट ऑफ नंगा पर्वत पीक, नंगा पर्वत पीक की हाइट कितनी है? 8,126 मीटर. 99 पे जो हमारे पास सवाल है जेहलम एंड चिनाब रिवर मीट, जेहलम और चिनाब रिवर्स कहाँ मिलते हैं? ट्रिमू हेडवर्क्स के पास मिलते हैं. आखिरी सवाल इस पेपर का 100 नंबर क्वेश्चन तिरचमीर पीक इज लोकेटेड, तिरचमीर पीक जो है वो कहाँ पे है, किस मुल्क में? सुदान सर इज ऑप्शन बी पाकिस्तान. सो ये था हमारा आज का पूरा पेपर. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. अभी इसके टेस्ट भी आ रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए आपके लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी मुफीद साबित होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें. अब दीजिए अपने दोस्त अमशेद अली को इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.